भारत भर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, जीवन में कई सारे बदलाव देखते हैं, जानते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, एक बुजुर्ग काका हैं, जिनको अभी गुरुदेव से मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन वो महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं बयाना तहसील से आया हूँ, राजस्थान से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टुंडाराम है और मेरे पैरों में साल डेढ़ साल से घुटनों में चपका चलते थे, ये पैर मेरा साथ नहीं देता था, मैं लकड़ी से चलता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे बच्चे ने बताया कि वहाँ इस तरह का है, जो मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ पर्ची कटवाई है उस विषय में तो अभी मेरा नंबर नहीं आया है। तो मैं वो क्या पंच अखाड़ा बोलते हैं, हाँ, श्री हनुमान जी महाराज का, मैं वहाँ गया और पांच वहाँ वृक्ष हैं, तो नमन करके पांचों वृक्षों की परिक्रमा की। एक दिन में तो मुझे एहसास ऐसा नहीं हुआ, तीसरे दिन मेरे जो चपका चलते थे उनमें मुझे कुछ आराम मिला, फिर चौथे पांचे दिन मैं गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंच गया और स्नान करके आज की तारीख में ये है कि मेरे चपका बंद हैं और मैं ये जो मेरी सोजन थी इन घुटनों पे वो खत्म हो गई है। ये जो घुटनों में बगल को उजिया सारी उजे रहे, तो ये जो सूजन है ना दिखाई दे रही है, ये ऐसी थी कि इसमें इस तरह का होता था इस जगह, तो अब मेरे में चपका बिल्कुल नहीं चलते हैं पैरों में, और चलने में मैं 2-3 किलोमीटर तक चला जाता हूँ। शाम को मुझे पता चला कि वहाँ वो महाराज जी हैं, हाथीवान जी बरहा स्थान है, तो मैं आज वहाँ भी दर्शन करने गया, तो वहाँ से आज मैं अपने शरीर में जो भारापन था, जो पैरों में शरीर में वो भारापन था, भारापन जिसको कहते हैं, चलने में ऐसा जो ऐसा लगता था वजन जैसा, तो वो आज मुझे दोपहर से मैं दर्शन करके आया हूँ, जब से मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ इतना जो है आराम मिला है। अभी जो विशेष बातें हैं वो गुरुजी से मिल करके होंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो भी आ रहा है, समय भले उसको लग जाए, बाबा उसकी प्रार्थना कब सुने ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100% उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, उसके कर्मों के अनुसार देर अमेर हो सकती है, जब शुभ घड़ी आ जाएगी तत्काल उसको लाभ हो जाएगा।